हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राखी स्पेशल रेसिपी। राखी आ चुकी है और हम सभी राखी की तैयारी में लगे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे में कुछ मीठा हो जाए। आज चॉकलेट तो हम सभी को बहुत पसंद है, तो चलिए चॉकलेट में लगाते हैं अपना देसी तड़का और बनाते हैं चॉकलेट की बर्फी। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लेके आने वाली हूँ आपके लिए ढेरों जानकारियाँ जीवन के हर पहलू से। और मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। मैंने चॉकलेट बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले लिया है चॉकलेट बिस्किट्स। आप अपने पसंद की कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। मैंने लिया है ये, आप अपने पसंद की कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। एक पैकेट चॉकलेट बिस्किट, एक कप काजू, एक कप मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून शुद्ध घी, एक कप मिल्क, फ्रेश क्रीम और इलायची पाउडर। तो बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे, इसमें से चॉकलेट्स निकाल लेंगे। इस तरीके से सारे बिस्किट्स में से, अब सारे बिस्किट्स हमने निकाल लिए हैं, अब इनको हम तोड़ के ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल फाइन ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमारा चॉकलेट बिस्किट ग्राइंड हो चुका है। अब हम काजू ग्राइंड करेंगे, इसको साइड रख देते हैं। अब हम काजू भी इसी तरीके से फाइनली ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारा काजू भी ग्राइंड हो गया है, निकाल लेते हैं इसको बॉल में निकाल। अब हम गैस ऑन कर देते हैं, लो हीट पर रखेंगे गैस को, और सबसे पहले हम इसमें घी डाल देते हैं। घी हमारा पिघल जाता है तो हम इसमें सबसे पहले डालते हैं क्रीम डाल देते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसमें मिला देते हैं दूध, पहले हम आधा कप दूध डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे, और दूध को धीरे धीरे करके डालेंगे, इसको मिक्स करते जाए। ये देखिए हमारा दूध उबलने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर मिलाएंगे, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये बॉईल हो गया है, अब हम इसमें जो हमारे बिस्किट से जो चॉकलेट्स निकले थे वो डाल देंगे, और हम इलायची का पाउडर डाल देंगे, और इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारे चॉकलेट इसमें खूब अच्छे से पिघलते हैं, तब तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से चॉकलेट मिक्स हो गया है। अब हम इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग सकता है, ये गाढ़ा होता जा रहा है। अब हम इसमें चॉकलेट पर जो हमने चूर्ण बनाया था वो डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा और दूध डाल देते हैं। अब देखिए दूध सारा एक ही बार में नहीं डालना है,
इसमें बिस्किट का मीठा है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप पाउडर्ड शुगर डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ऐसे पाउडर्ड शुगर, शुगर को पाउडर कर लीजिए। मैं इसमें डाल देती हूँ, 2 चम्मच डाल देती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे कैशू, काजू का पाउडर्ड काजू जो हमने किया था उसको, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गैस हम कम ही रखेंगे, फ्लेम आपको तेज़ नहीं करना है, कम फ्लेम पे बनाना है इसको। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से हो चुका है, ये एक जगह इकट्ठा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे। ये मैंने एक ट्रे में बचा पेपर, पर्शियन पेपर लगा दिया है। अगर आप चाहें, आपके पास नहीं है तो आप प्लेट को ग्रीस कर सकते हैं घी या बटर से। अब इसको हम इसमें निकाल लेते हैं और इसको एक प्रॉपर शेप देंगे। इस तरीके से करके हम इसमें इसको प्रॉपर शेप देते हैं। ये हमने इसको शेप में लगा दिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम बना लेते हैं अपना चॉकलेट सिरप इसके ऊपर डालने के लिए। अभी चॉकलेट सिरप बनाने के लिए हमने लिया है चॉकलेट, आप कोई सा भी चॉकलेट ले सकते हैं। मैंने लिया है डार्क कंपाउंड चॉकलेट, आप कोई सा भी ले सकते हैं चॉकलेट और फ्रेश क्रीम। अब हम बनाएंगे चॉकलेट सिरप। हमने चॉकलेट को डबल बॉयलर पे रख दिया है। डबल बॉयलर में रखने के लिए नीचे हमने छोटे बर्तन में पानी रखा है, तो वो गर्म हो गया, पानी बॉयल हो गया, तब हमने उसके ऊपर ये चॉकलेट वाला रख दिया है। अब हम इसको धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। में हम फ्रेश क्रीम भी डाल देंगे, 1 कप फ्रेश क्रीम डालेंगे। और इसको मिक्स करेंगे। ये चॉकलेट धीरे धीरे इसमें पिघल जाएगा और बहुत अच्छा ही चॉकलेट सिरप तैयार होगा। इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, हमारा चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से पिघल गया है और इसमें कितनी अच्छी ग्लेज आ गई है, बिल्कुल अब तैयार है। और हमारा चॉकलेट सॉस तैयार हो गया है। बर्फ़ी भी ठंडी हो गई है। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट सॉस डाल देते हैं। इसको फैला देंगे एक बराबर से। ये देखिए कितनी अच्छी शाइन है, ग्लेज है चॉकलेट सिरप में। हम इस तरीके से इसको फैला देंगे चारों तरफ। अब हम इसको दोबारा से फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे कि ये हमारा चॉकलेट जो है, जो हमने इस पे डाला है,
वो अच्छे से सेट हो जाए। इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट, पिस्ता, जो भी आपके पास है, जो आप डालना चाहते हो, इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे। मैंने काजू डाला है, आप इसके ऊपर पिस्ता डाल सकते हो, बादाम डाल सकते हो। इस तरीके से अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फिर से रख देते हैं फ्रिज में। देखिए 2 घंटे से मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ है, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने कट करके इसको प्लेट में निकाल लिया है। देखिए कितनी अच्छी बनी है, कितनी स्वादिष्ट बनी है। आप भी अपने घर में बनाइए, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी और अपने भाई को भी इस राखी के शुभ अवसर में अपने हाथ की बनी मिठाइयाँ खिलाइए।